तो उस पर क्या आपकी राय? देखिए, मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि जन धन योजना, जनता का धन हम योजना बना के लूटेंगे। जैसे आपको बता दूं कि इन्होंने पूरे देश में खाता खुलवाया जन धन के नाम पे, और खाता खुलवाया 15 लाख तो रुपया नहीं आया, लेकिन बैंक की एक नियमावली है कि 6 महीने तक अगर खाते में लेन देन नहीं है तो खाता बंद हो जाता है। तो करोड़ों लोगों का खाता बंद हो गया, 500 रुपया करके अरबों रुपया मोदी जी ने गरीबों का लूट के बैंक में जमा कर दिया। उसी तरह योजना बनाया गंगा सफाई का, गंगा तो साफ नहीं हुई लेकिन देश का 1,76,76 लाख रुपया आज आरबीआई से निकाल लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो आदित्य ठाकरे जी प्रमुख अतिथि थे, उन्होंने भी आने का उनका फोटो लगाया था, क्या हुआ? नहीं देखिए, उनके साथ कार्यक्रम लगे थे और अभी वो 5वें कार्यक्रम में है और परमिशन 10 बजे तक था। इस नाते बात हमारे उमा शंकर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताया कि अभी 2 कार्यक्रम मुझे करने हैं। आपके साथ कितनी पार्टी साथ में है? हमारे साथ मैदान में उतरे हैं आप? हमारे साथ देखिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी का नाम बताइए सर, कौन कौन सी पार्टी? माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है, माननीय बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है राष्ट्रीय भारतीय उपेक्षित समाज पार्टी, किशोर पटेल की अपना दल है और मानव समाज पार्टी रामधनी बिंद की है, रामकरण कश्यप की पार्टी है उनकी पार्टी है भारतीय वंचित समाज पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। 8 पार्टियों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। देश में भाजपा की सरकार है और भाजपा को देश से भगाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। बस बस बस, थैंक यू सर।